रायबरेली और अमेठी सीट अपने पास ही रखेगा गांधी परिवार। यहां से मैदान में उतरेंगी प्रियंका, राहुल भी लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में गांधी नेहरू परिवार की माने जाने वाली रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटों को लेकर कई तरह के कयास चल रहे हैं। सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, अमेठी पर राहुल क्या फैसला लेंगे, पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों की माने तो ये दोनों सीट गांधी परिवार अपने पास ही रखेगा। सोनिया गांधी के न लड़ने पर रायबरेली से प्रियंका भाग्य आजमाएंगी। राहुल गांधी का अमेठी से उतरना भी करीब करीब तय माना जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल की हार और कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में सोनिया गांधी के बयान से इन सीटों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में हुए रायपुर अधिवेशन में सोनिया ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा मेरी राजनीतिक पारी का अंतिम पड़ाव हो सकती है। लोकसभा के 1970, 1996, 1998 के चुनावों को छोड़ दें तो शेष सभी चुनावों में रायबरेली से कांग्रेस ही जीती है। गांधी नेहरू परिवार के फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, अरुण नेहरू व शीला कौल ने कई कई बार लोकसभा में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। 2004 से अब तक यहां से सोनिया गांधी ही सांसद हैं। 1970 के बाद यूपी में कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर में है। इसके बावजूद रायबरेली की जनता ने 2019 के चुनाव में गांधी परिवार का साथ नहीं छोड़ा। पार्टी सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी के चुनाव न लड़ने की स्थिति में प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। प्रियंका का संसदीय राजनीति में आने का यह पहला प्रयास होगा। हालांकि अभी तक सोनिया की ओर से चुनाव न लड़ने की बात स्पष्ट तौर पर नहीं कही गई है। वैसे भी प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में नहीं थी, तब भी रायबरेली और अमेठी में सक्रिय रहती थी। इससे इन दोनों ही सीटों पर आम मतदाताओं से उनके जुड़ाव से कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रियंका गांधी के लिए संसदीय राजनीति में प्रवेश के लिए शायद ही कोई दूसरी सीट इतनी सुरक्षित हो जितनी की रायबरेली। अमेठी से लगातार संपर्क में राहुल की टीम। 1967 में वजूद में आने वाली अमेठी सीट भी संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी की रणभूमि रही है। यहाँ सिर्फ दो बार 1998 और 2019 में भाजपा जीती, जबकि 1970 में जनता पार्टी। शेष चुनावों में कांग्रेस ही आगे रही। राहुल गांधी ने 2004 से 2014 तक लगातार 3 चुनाव यहां से जीते हैं। सोनिया गांधी 2004 में यहां से शिफ्ट होकर रायबरेली चली गई और उसी वर्ष राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव जीतकर संसदीय राजनीति में प्रवेश किया। 1999 में अपना पहला चुनाव सोनिया गांधी ने अमेठी से ही जीता था। वर्ष 2019 में राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ वायनाड से चुनाव लड़ा था और अमेठी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इस बार भी राहुल गांधी इन दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी की टीम लगातार अमेठी में आम लोगों से संपर्क बनाए हुए है। कांग्रेस के आंतरिक संगठन में राहुल अमेठी का प्रतिनिधित्व करते हैं।